Hello friends, I, Dhairav Bhatia, welcome you to my YouTube channel Maths DNA, from origin to infinity. In this video, we are going to discuss that for the examination of CSIR NET JRF 2021 Mathematical Science, firstly, how to prepare, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए एग्जाम के लिए. Secondly, what to prepare, उसमें कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए. And thirdly, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, what not to prepare. Most commonly, जब how to prepare आता है, कोई भी कैंडिडेट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो दो वेज में करते हैं. पहले सिलेबस लेते हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश में लग जाते हैं, जो कि एग्जाम आने तक कभी कंप्लीट होता नहीं है. सेकेंड वे जो है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद उसमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए. सपोज करो आप लीनियर अलजेब्रा प्रिपेयर कर रहे हो, रियल एनालिसिस प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी और टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें से कौन से टॉपिक्स या सब टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए और कौन से प्रिपेयर नहीं करने चाहिए. अब क्यों नहीं करने चाहिए उसका भी रीजन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं. तो शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप कंप्लीट मटेरियल ढूंढ रहे हो कि एक अच्छा सा मटेरियल मिल जाए जिसके अंदर सारी डेफिनेशंस हो, सारे रिजल्ट्स दिए गए हो, एग्जांपल्स हो, काउंटर एग्जांपल्स हो, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस, वो भी फ्री में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक लिंक दी गई है, वहां जाके रजिस्टर कर सकते हो. तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे मटेरियल कौन से सब्जेक्ट्स का है. तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि हमारा पार्ट ए होता है, जो कि 30 मार्क्स का है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. सेकेंडली, लीनियर एलजेब्रा, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ODPD, या तो फिर COV, LI एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस. स्टैटिस्टिक्स का मटेरियल अभी तक हम वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड किया जाएगा. तो अगर आपको मटेरियल चाहिए अच्छा हुआ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो. और इसमें बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आप हर एक मटेरियल लो, आपको जो मटेरियल चाहिए आप सिर्फ वही सिलेक्ट करो. अगर आपको लीनियर का चाहिए और रियल का चाहिए, तो आप कोई भी दो ले सकते हो, कोई भी तीन ले सकते हो, या कोई भी एक भी ले सकते हो. कंपलसरी नहीं है कि आप हर एक मटेरियल हमसे लेके जाओ. तो अब शुरू करते हैं ये वीडियो, कि सबसे पहले हमारे पास आता है हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करनी है. तो ना तो सिलेबस से करनी है और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी है. हमें तैयारी करनी है टॉपिक वाइज. पहले एक कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लो. फॉर एग्जाम्पल, लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है डायगोनलाइजेशन. तो पहले हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, डेफिनेटली वो सिलेबस में होना चाहिए. वो सिलेबस के बाहर का टॉपिक आप नहीं कवर अप करोगे, बट हाँ, एक आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया. फिर क्या करना है, तो उसकी डेफिनेशन जो आपको कोई भी रेफरेंस बुक में दी गई हो, आप पहले उसकी डेफिनेशन को समझो, अंडरस्टैंड करो. उसको सिर्फ पढ़ो मत. आपने पढ़ लिया तो आपको लगता है क्या, मुझे तो आ गया. वो वहाँ पे आपका वाइवा नहीं लेने वाले हैं. वो आपको ये नहीं पूछने वाले हैं कि आप डायगोनलाइजेशन की डेफिनेशन बताओ. ये ओरल एग्जाम नहीं होने वाली आपके, जो हमारे स्कूल्स में होते थे. वहाँ पे आपको डेफिनेशन का मतलब पता होना चाहिए कि वो जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाह रही है, या वो क्या होगा उससे. सेकेंडली, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन. जैसे ही आपने डेफिनेशन समझ ली, फिर आप रेफरेंस बुक के उसी यूनिट में से उसके क्वेश्चन सॉल्व करो. फिर उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट के, वो आप सॉल्व कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप नेट के ही करो, और भी जो हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम आती हैं, सपोज करो गेट है, NBHM, NBHM, PhD, TIFR, CMI, IITJM, और हर एक स्टेट की एग्जाम जो स्लेट होती है, आप हर एक पेपर ढूंढो ऑनलाइन. अगर आपके पास आपको चाहिए तो आप हमसे भी ले सकते हो. आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो dnamaths@gmail.com पे. तो आप वो सारे पेपर्स लो, उसमें से सिर्फ ये एक टॉपिक डायगोनलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले. तो आपके पास ऑलमोस्ट 100 टू 150 क्वेश्चन हो जाएंगे किसी एक टॉपिक को लेके. फिर क्या करना है, तो उसके काउंटर एग्जांपल्स ढूंढो. जैसे ही आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, आपको आ गया है चेक करना कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया है वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, या कोई और टॉपिक है. अगर आपको वो एग्जाम्पल्स आ गए, तो सेकेंडरी आप काउंटर एग्जाम्पल्स फाइंड करो कि कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया है तो हम काउंटर एग्जाम्पल्स से कैसे टैकल कर सकते हैं इसको. मोस्टली आपको काम आएगा सीक्वेंस सीरीज में, जब कन्वर्जन डाइवर्जन दिया होता है कि एक कन्वर्जन सीक्वेंस है लेकिन उसकी सीरीज डाइवर्जेंट है, या वाइस वर्सा, ऐसा आपको क्वेश्चन देते हैं. तो वहां पे आपको जो सबसे हेल्पफुल होगा वो होगा काउंटर एग्जांपल, क्योंकि काउंटर एग्जांपल आपको ये हेल्प करेगा
कि वो ऑप्शन सही है कि गलत है, पर याद रखना काउंटर एग्जाम्पल से आप ऑप्शंस को गलत करते हो, सही नहीं कह सकते। सही के लिए आपको उसका प्रूफ देना पड़ता है, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो स्टेटमेंट दिया है या जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। तो सेकंड आप फाइंड करो काउंटर एग्जाम्पल्स, और उसके बाद एक अच्छी सी लिस्ट बनाओ जो कि रिजल्ट्स की हो। रिजल्ट्स इन द सेंस कि डायगोनलाइजेशन पे जितने भी आपको क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, आपने थियरी पढ़ी, उसमें से जो रिजल्ट्स आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। या हर एक रिजल्ट, कभी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, हर चीज अगर आपको आती है तो वो इंपॉर्टेंट है, नहीं आ रहा है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको जितने भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर, तो आप सारे रिजल्ट्स को एक बुक में नोट डाउन कर लो। फिर जब आप डेली प्रिपेयर कर रहे हो तो बस डेली उन रिजल्ट्स को रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उनको वापस एक बार रिवाइज करते जाओ डेली बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो आज किया उसको आप कल रिवाइज डेफिनेटली करोगे। जो आपने कल किया तो दो दिन का आपका जो वर्क हो गया उसको आप थर्ड डे पे वापस रिवाइज करोगे। आपको डेली रिविजन करना पड़ेगा, अगर आपने एक दिन भी स्किप किया तो आपको फिर कवर अप करना टफ हो जाएगा। तो ये था हाउ टू प्रिपेयर सिंपली, कि हाँ ये तो सबको फॉलो अप करना है। अब हमारे पास जो एग्जाम देने कैंडिडेट्स आते हैं वो एक्चुअली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है जो फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, जिन्होंने अभी अभी इसी साल एमएससी ज्वाइन किया है। तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहले आप क्या करो, आप नेट का सिलेबस लो और अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लो, फिर इन दोनों में देखो कि कौन से टॉपिक्स कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि लीनियर अलजेब्रा दोनों के पास है, लेकिन आपको अगर वो जॉर्डन ब्लॉक्स, डायगोनलाइजेशन, मैट्रिक्स, इनवर्स, अगर वो टॉपिक्स आ रहे हैं तो आपको टॉपिक्स लो। सीक्वेंस सीरीज आपके पास है, रियल एनालिसिस, तो उसके अंदर भी आप चेक करो कि आपके पास आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, फिर वही टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करो, लेकिन नेट लेवल पे। ऐसा नहीं कि आप उसको बस अपने कॉलेज के लेवल पे ही प्रिपेयर करो, आप उन क्वेश्चंस को नेट लेवल पे प्रिपरेशन करो। साथ ही साथ आप खुद क्वेश्चन बनाओ उसी टॉपिक के। सपोज करो सीक्वेंस सीरीज के हैं तो आप खुद ही सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हो अपने आप, और आपको सोचना है कि वो क्वेश्चन नेट लेवल का होना चाहिए। कोई सिंपल सा एग्जांपल लेके बना लिया क्वेश्चन, ऐसे नहीं। तो आप खुद ही अपने क्वेश्चंस डेवलप करो और उस टॉपिक को डीप में आप अंडरस्टैंड करो। इसके दो बेनिफिट्स होंगे, आपका जो नेट का प्रिपरेशन है वो भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपका कॉलेज का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनके सिलेबस में होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो प्रिपेयर करते हैं नेट के लिए लीनियर अलजेब्रा। तो ना वो कॉलेज में अच्छे से अटेम्प कर पाते हैं यूनिवर्सिटीज में अपनी एग्जाम में, और ना ही वो नेट में अच्छे से अटेंड कर पाते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, जो भी कॉमन टॉपिक्स है आप वही प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद अभी आपको जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है। आप फर्स्ट ईयर में हो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो अगर आप 180 मिनट्स में सिर्फ 15 या 20 क्वेश्चन कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो 20 क्वेश्चन कर रहे हो या जो 15 क्वेश्चन कर रहे हो वो सारे सही होने चाहिए। अभी के लिए आपके लिए एक ही काम है, वो है कि आप एक्यूरेसी पे फोकस करो। आप एक भी क्वेश्चन गलत अटेंड नहीं कर सकते वहाँ पे, फर्स्ट टाइम है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ चलो चलो जाके दे के आते हैं। नहीं, आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो आप छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, तभी जाके वो आगे आपको कंटिन्यू होगा, आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद सॉल्व एटलीस्ट 20 न्यू क्वेश्चंस पर डे। आपको रोज 20 नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें से ही आपको होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हो, हम आपको डेली बेसिस पे भी देंगे, मंथली बेसिस पे, या एक साथ भी आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, हमारी ईमेल आईडी है bnamaths@gmail.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वो। तो आप डेली 20 नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और एटलीस्ट 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जनरल एप्टीट्यूड के, लेकिन एक वीक के अंदर। आप एक वीक में कोई भी दिन 5 क्वेश्चन आज करो, कल 10 करो, 15 करो, लेकिन एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के। आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपका नेट का सिलेबस का पार्ट बी जो मैथमेटिकल है वो आपको मे बी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया होगा, लेकिन जो पार्ट ए है रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड, उसमें आप अपना ग्रिप ले सकते हो, उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, और आराम से उसमें आप 30 मार्क्स में से 20 आप तो जा सकते हो ईजिली। अगर आपका बेसिक मैथ्स जो कि एवरेज, एज, ज्योमेट्री और थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए। अब चलते हैं सेकंड केस, फाइनल ईयर में जो है, या तो जिनका अभी एमएससी खत्म होने वाला है इस साल में, तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करें? तो आप हर एक टॉपिक तो पहले कवर करो सिलेबस में से,
इस बार आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। डेफिनेटली अगर आप प्योर बैकग्राउंड से हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स के कोई भी टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल मैकेनिक्स है या ऑपरेशन रिसर्च है या LPP है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो वो टॉपिक तो आप कवर अप मत करो। लेकिन जो आपने पढ़े हैं प्योर के अंदर या जो आपको सिलेबस में आते हैं, इन जनरल आपके पास लीनियर एलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें दोनों आगे ऑर्डिनरी एंड पार्शियल, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस, साथ ही साथ टॉपोलॉजी आती है और नंबर थ्योरी जो एक्चुअली आपको एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में कवर अप हो जाएगी। तो ये आपके पास 8 से 10 टॉपिक है, तो आपको पूरा सिलेबस के ये सारे टॉपिक्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि टॉपोलॉजी में कॉम्पैक्ट कनेक्टेड और ये सब क्या होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में ग्रुप, रिंग, उनकी बेसिक डेफिनेशन, सब ग्रुप, उसका ऑर्डर, फिर उसके बाद आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स आते हैं। सिमिलरली मैट्रिसेस में भी जो सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उनकी प्रॉपर्टीज, वो आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स में आपके पास आता है कॉची रेसिड्यू थ्योरम आएगा, फिर सिंगुलैरिटीज आएंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक में से कौन सा टॉपिक, सब टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन आपको हर एक टॉपिक का बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको हर एक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप वो करो। सेकेंडली, प्रिपेयर टॉपिक्स इन विच यू आर मोर एक्यूरेट। अब जब आपने सब टॉपिक कवर कर लिए तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ, हमारे ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है। आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। नेट की एग्जाम में आपके पास जो टेस्ट होता है, जो आपका वो एग्जाम लेते हैं, उसके अंदर वो चेक करते हैं कि आप कितने एक्यूरेट हो, आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपने पार्ट ए में 10 कर दिए सही, पार्ट बी में 10 कर दिए और पार्ट सी में भी 10 सही कर दिए, तो आप इजीली JRF क्वालिफाई कर सकते हो। हर एक सेक्शन में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने हैं, तो वो नेट की एग्जाम में आपको एक्यूरेसी पूछ रहे हैं, आपको कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो वो नहीं पूछ रहे हैं। तो आप हमेशा फोकस करो अपनी एक्यूरेसी पे। फिर सॉल्व एटलीस्ट 30 न्यू क्वेश्चन पर डे। अब आप फाइनल ईयर में हो तो आपको 20 नहीं करने, आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी रेगुलरली, वो भी हर दिन, वो भी नए। ऐसा नहीं कि कल ग्रुप का एक किया था आज वही कर लिया, आप उसका ऑर्डर चेंज कर दो, उसका मैट्रिक्स का किया था आप उसका वैल्यूज चेंज कर दो मैट्रिक्स की। एक बार आपने डायगोनाइजेबल चेक किया तो एक बार आप उसका इनवर्स फाइंड करके चेक करो, ट्रांसपोज चेक करो, प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, लेकिन नए क्वेश्चन होने चाहिए, नई थियरी होनी चाहिए। जैसे ही आप ये करोगे तो आपके पास एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स इतना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने सारे कंटेंट हो जाएगा कि आपको फिर नेट की एग्जाम में कुछ भी नया नहीं मिलेगा, सब कुछ वही होगा जो आपने प्रैक्टिस किया होगा रेगुलर बेसिस पे घर पे। और लास्ट में कि एटलीस्ट 50 न्यू क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। आपका जनरल एप्टीट्यूड अगर अच्छा नहीं है तो आप 50 की जगह 35-40 भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपको डेफिनेटली हर वीक में 35-40 या 50 अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करने क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के काफ़ी स्टूडेंट्स जो JRF करते हैं या जिनका रैंकिंग में नाम आता है, वो लोग इसी वजह से रैंकिंग में आते हैं क्योंकि उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटेंड किए हैं। 100 तक तो आप और वो दोनों पहुंच जाते हैं, लेकिन 100 से 120 का जो डिफरेंस है या 110 से 130 का जो डिफरेंस है, वो वही जन कवर कर पाता है जिनका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा होता है। तो आप लोग एटलीस्ट 50 न्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करो एप्टीट्यूड के पर वीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो थर्ड कैटेगरी है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो या तो वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या तो वो कहीं पे PhD कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने ज्वाइन कर ली है PhD, या तो वो 1 साल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसे होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ ऑल हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सच एस गेट, नेट, सेट, MBHM, NBHM, PhD। अब आप लोगों के लिए सिलेबस पढ़ना तो बिल्कुल काम का नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेज में सब पेपर सीख लिए हैं, तो अगर अब आप सीखने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। हाँ, अगर आपका कोई टॉपिक वीक रह गया है कि आपको लगता है नहीं ये हम और भी अच्छा कर सकते हैं या इसमें हम और एफर्ट डालेंगे तो हमें और क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप वो टॉपिक सीखो। उसके अलावा आप जितनी भी हायर मैथमेटिक्स एग्जाम्स ले जा रही है, जैसे कि गेट हो गई, नेट हो गई, सेट, NBHM, NBHM, PhD, उन हर एक एग्जाम के आप पेपर सॉल्व करो। सबसे पहला काम को पेपर ही सॉल्व करने कि आपके पास कंसेप्ट का बेस बन गया है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको आ गया, क्योंकि वो कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। एक आध क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, वो ठीक है, लेकिन वो कंसेप्ट रिपीट जरूर करते हैं। तो जैसे ही आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे
तो आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे। और उसके बाद आप प्रिपरेशन पे जाओ कि जब आपने पेपर किए तो आपको पता चला कि भाई हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलरिटीज वाला टॉपिक वीक रह गया है, तो वो टॉपिक प्रिपेयर करो। फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप देख रहे हो तो आपका कोई एक और टॉपिक वीक रह गया है। लीनियर में हर स्टूडेंट को लगता है कि उनको लीनियर आता है, लेकिन हर बार लीनियर में एग्जाम में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपको नहीं आएगा। तो आप ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन लीनियर का हमें अटेम्प्ट ही करना है, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दो ना। वो आपसे ये नहीं कर रहे हैं कि आपको लीनियर आता है तो आप लीनियर के हर एक क्वेश्चन को अटेंड करो, आपको जो आ रहा है आप वही अटेंड करो। तो इसके अंदर पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो टॉपिक्स आपके वीक रह गए हैं उन वीक टॉपिक्स को आप और अच्छा करो। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, जो वीक टॉपिक्स वीक रह गए हैं उसको आप स्ट्रांग करो। नेक्स्ट, आपको पर डे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप जॉब कर रहे हो, घर पे हो, रिसर्च कर रहे हो, कहीं पे पीएचडी ज्वाइन करने वाले हो, एमफिल कर रहे हो, आपका रिसर्च वर्क चालू है, कुछ भी है, अगर आप नेट को लेके सीरियस हो, आप ये एग्जाम को लेके सीरियस हो, आप अपने आप को लेके सीरियस हो कि नहीं हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है और हमें पीएचडी के लिए किसी आईआईटीज एनआईटीज या किसी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो आपको पर डे 50 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्वेश्चंस चाहिए वो भी विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको सॉल्यूशन के साथ अगर क्वेश्चन चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमें कॉन्टेक्ट करो डायरेक्टली dnmaths@gmail.com पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दिया गया है। तो आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एटलीस्ट 70 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जनरल एप्टीट्यूड के पर वीक के अंदर। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, व्हाट टू प्रिपेयर एंड व्हाट नॉट टू प्रिपेयर, कि कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है वहाँ पे, क्योंकि जो मेन आएगा वो एग्जाम के बाद इंटरव्यू आएगा, तो इंटरव्यू भी हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वो नेक्स्ट देखेंगे। अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमें dnmaths@gmail.com पे, एंड यू कैन बी अ मेंबर ऑफ आवर सोशल क्लब, वॉच 220 प्लस वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, गेट अ कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल।